बांदा पुलिस एसओजी को मिली बड़ी सफलता, चोरी किए गए 1 करोड़ के आभूषण बरामद। अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बलखंडी नाका में मकान की रखवाली करने वाली नौकरी कर दिए थे हीरे जवाहरात पर बांदा। दिनांक 16 मार्च 2021 की सुबह से 25 मार्च 2021 के मध्य श्री प्रदीप कृष्ण के मकान से हुई आभूषणों की चोरी लगभग 1 करोड़ रुपए में। नामजद अभियुक्त रवि राजधुरिया पुत्र रामपाल निवासी सर्वोदय नगर चिल्ला रोड थाना कोतवाली नगर बांदा की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक बांदा श्री सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा जनपद के निर्देशन में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक बांद्रा महेंद्र प्रताप चौहान के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राकेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में लगाई गई 3 तारीख दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रभारी एसओजी अनंत कुमार सिंह हमराज, मैंक चंदेल, योगेंद्र सिंह, नितेश समाधिया, भूपेंद्र सिंह, अश्विनी प्रताप सिंह, शैलेंद्र कुमार, प्रभात तिवारी के साथ उपरोक्त मुकदमा के संबंध में प्रार्थी सुराग से करते हुए थाना कोतवाली नगर पहुंचे। रवि राजधुरिया पुत्र रामपाल निवासी सरोदय नगर चिल्ला रोड बांदा की संदिग्ध परिस्थिति में पूछते पर और पूछताछ करने हेतु थाने पर बुलाया गया। इसी क्रम में बांदी श्री प्रदीप कुमार कृष्णा को बुलाया गया तो वह अपने मित्र अमित कुमार पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल निवासी अग्रवाल हाउस निवासी सिविल लाइन बांदा के साथ थाना कोतवाली नगर आए और उपरोक्त रविराज भी समय करीब 9:45 पर थाना कोतवाली नगर उपस्थित आए, जिसमें वादी मुकदमा के घर में हुई चोरी के बारे में पूछताछ की गई। प्रदीप कृष्णा जी हैं, ये गंगा कुटीर बलखंडी नाका के रहने वाले हैं। ये पेट्रोल पंप का इनका कारोबार है और वाहन भी जो है इनके पास है। ये इनका घर में पुश्तैनी इनके जेवर रखे हुए थे। ये 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में ये अपने बच्चों के पास लखनऊ चले गए थे और इनके घर में काम करने वाले 3 इसमें एक काफ़ी जो 30-35 सालों से इनके घर में कार्य कर रहे थे मुनीम और एक रवि, अभी हाल में ही इन्होंने एक रवि धुरिया नाम का एक मजदूर अपने पास रखा था घर में काम करने के लिए। हालांकि ये पहले भी इनके यहाँ काम कर चुका था लेकिन फिर लॉकडाउन के दौरान उसने बताया कि मेरे पास काम नहीं है, तो उन्होंने फिर जो है उसको अपने यहाँ काम के लिए रख लिया था क्योंकि पूर्व से पहले से परिचित था। और ये 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में जब ये लखनऊ में थे तो उन्होंने बाहर की जो चाबी थी वो अपने मैनेजर को जो है उन्होंने दे दिया था कि अपने घर में अगर कोई साफ़ सफाई वगैरह करना हो तो इसको करते रहिएगा। इसी का फ़ायदा उठा करके 20 तारीख को मैनेजर को किसी बात को लेकर के उन्होंने उससे चाबी ले लिया था, रवि धुरिया और एक विनय विश्वकर्मा, और कुछ देर के लिए करीब 1-1.5 घंटे के लिए वो मुनीम कहीं बाहर गया हुआ था। उसी दौरान उन्होंने उससे चाबी लिया और शटर इनका मेन शटर है घर के अंदर का उसको खोल करके और वहाँ पर जो है शराब रखी हुई थी इनकी, उसको पहले उन्होंने खूब पिया और जब ये विनय विश्वकर्मा जो है काफ़ी शराब के नशे में हो गया और वहीं पर वो बैठ गया तो ये शायद रवि धुरिया पहले से ही जो है ये इसकी प्लानिंग बनाए हुए था। इनके जिस कमरे में अलमारी में इनका जो जेवर रखा हुआ था उसमें एक खिड़की थी, उस खिड़की को उसने पहले खोल रखा था, मतलब उसका उसमें कोई जाली नहीं थी, मात्र खिड़की में शीशा था, उसको पहले ही उन्होंने उसका खोल रखा था, केवल ऐसे बंद था। उसी रास्ते से वो घर के अंदर उसने प्रवेश किया और उसको ये पता था कि इस अलमारी की चाबी कहाँ रखी जाती है और अलमारी की चाबी उससे लेकर के उसने इनकी अलमारी खोली और उसने करीब 1 करोड़ के जेवर जो उनके थे उसको वहाँ से निकाला और निकाल करके फिर अपने घर पर आया और एक मिक्सी ग्राइंडर है उसमें उसने उसके नट बोल्ट खोल करके उसने सारे जेवर को उसने छुपा लिया। उसमें से कुछ जेवर जो है उसने बेचे भी थे और बाद में हालांकि उसकी रिकवरी भी हुई है। इस प्रकार जो है जितने भी जेवर थे जब इससे पूछताछ की गई तो उसने घटना स्वीकार किया और उसने खुद चल करके वो मिक्सी ग्राइंडर दिखाई जिसमें वो जेवर छुपा के रखे हुए थे। सारे जेवर जो है पूरे बरामद हुए और जहाँ जिस सुनार को उसने जो जेवर बेचे थे उस सुनार से भी जो है वो जेवर बरामद हुए। इस प्रकार कुल 100% जो है ये बरामदगी हुई है और ये इस पूरी इस घटना में जो है हमारी जो एसओजी टीम है
आनंद सिंह के परीक्षण में और उनकी पूरी टीम ने, इसमें विशेष रूप से इन्हीं के द्वारा ये घटना की को वर्कआउट किया गया है और इस पूरी टीम को जो वादी मुकदमा प्रदीप कृष्णा जी हैं, इन्होंने जो है 151,000 रुपये पुरस्कार देने की भी इनके द्वारा घोषणा की गई है। सर, इसमें गिरफ्तार कितने हुए? इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, रवि धुरिया, जिसने घटना को कार्य किया था। स्थानीय लोगों को दावा सर कि इसमें मुकदमा बाद में पंजीकृत किया गया है? नहीं, इसमें मुकदमा नहीं, इसमें मुकदमा जब इन्होंने सूचना दिया था 27 तारीख की रात में, 28 तारीख को ये अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 28 मार्च को इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 27 की रात को ही